हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 22 का और वाला क्वेश्चन। और इस पेपर के जो बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन है वो आपको इसके सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाकर आप इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है। देखिए, हाउ मेनी पॉजिटिव थ्री डिजिट इंटीजर्स हैव द 100th डिजिट 8 एंड यूनिट डिजिट 5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन सच नंबर आउट ऑफ ऑल थ्री डिजिट नंबर्स। देखिए, ये भी प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है जो कि हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था सेम। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले पूछा है कि ऐसे कितने थ्री डिजिट के इंटीजर्स हो सकते हैं जिन पे 100 प्लेस पे 8 आए और यूनिट प्लेस पे 5 आए। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आपका। उसके बाद आपको प्रायोरिटी फाइंड करनी है सिलेक्टिंग वन सच नंबर, यानी कि ये जो नंबर है ना हमारे पास, इनकी ऑल थ्री डिजिट नंबर में से। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन आपको एक एक करके चीज़ अच्छे समझाते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, तो प्रोबेबिलिटी के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो टोटल आउटकम चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि थ्री डिजिट का हमारे पास टोटल नंबर कितने होते हैं। देखिए, हमारे पास जो नंबर होते हैं थ्री डिजिट के, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। देखो, 99 तो टू डिजिट का हो जाता है, तो हमारा जो नंबर स्टार्ट होता है वो 100 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, 999 तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ इसके बाद तो क्या आ जाता है, 1000 आ जाता है, जो कि फोर डिजिट का होता है। देखो, तो ये हो गए थ्री डिजिट के नंबर। तो सबसे पहले आपको टोटल पॉसिबल आउटकम देखेंगे अपन। तो देखो इस क्वेश्चन में है ना, ये हमारा सॉल्यूशन हो रहा है यहाँ से प्रॉपर। तो सबसे पहले तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, थ्री डिजिट के टोटल नंबर कितने होते हैं। देखिए, 100 से लेकर 999 तक आप किस टाइप में टोटल नंबर निकालो जो कि थ्री डिजिट के रहेंगे। देखिए, मैं आपको कुछ मेथड बताता हूँ, आप इस टाइप में निकाल सकते हो। देखो, सिंपल सी चीज़ होती है, आप क्या कर सकते हो, जो थ्री डिजिट का नंबर है ना, जो ग्रेटेस्ट नंबर है, उसमें से आप क्या करो, जो छोटा वाला नंबर है स्मॉलेस्ट, उसमें क्या करो, ये वाला नंबर माइनस कर दो, प्लस वन कर दो, तो आपके टोटल नंबर निकल जाते हैं कि 999 और 100 तक टोटल कितने नंबर होंगे थ्री डिजिट के। ठीक है, ये फोर डिजिट में भी आ सकता है, टू डिजिट में भी आ सकता है, क्वेश्चन अलग से आ सकता है। तो आप समझ के रखो कि आप जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर माइनस कर दो, प्लस वन कर दो। देखो, 999 में से 100 माइनस करेंगे कितना आएगा, 899, और प्लस वन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900। यानी जो टोटल नंबर आएंगे हमारे पास 900 आएंगे। देखो, आप क्या कर सकते हो, एक चीज़ और होती है, जैसे आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको ग्रेटेस्ट टोटल थ्री डिजिट के नंबर निकालना है, तो आप क्या करो, थ्री डिजिट के से बात क्या आता है, फोर डिजिट, तो फोर डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखो, उसमें से माइनस क्या कर दो, इसका जो स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट का नंबर होता है उसको, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1000 में से 100 जाएगा तो 900। ठीक है, आप किसी की चीज़ के लिए कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे 0 से लेकर 9 तक वन डिजिट के नंबर बताने हैं आपको, तो इसके बाद नंबर क्या आता है, 10 आता है, तो 10 में से अगर मैं क्या करूँ, 0 माइनस करूँ, क्यों ना आएगा, 10 ही आएगा ना। ठीक है, तो इस टाइप में आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। बाकी आप चाहो तो यहाँ पे एपी भी लगा के निकाल सकते हो ना, इसको एन मान के है ना, ये ए मान के, डी इसका वन ही रहेगा क्योंकि 101 102 इस टाइप के नंबर होते हैं थ्री डिजिट के। ठीक है, वहाँ से भी आप n निकाल सकते हो, यही आएगा आपका। ठीक है, तो आपके पास टोटल जो नंबर आएंगे ना, वो कितना आएंगे हमारे पास, 900 आएंगे। अपने अकॉर्डिंगली आप जिस भी मेथड से जाओ उसे निकाल सकते हो। तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम रहेंगे वो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 900 हो जाएंगे। अब उसके बाद इन्होंने जो पूछ रखा है क्वेश्चन में हमको, कि हाउ मेनी पॉजिटिव थ्री डिजिट नंबर हैव द 100 डिजिट 8 एंड यूनिट डिजिट 5। तो देखो, ये हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कितने होंगे ये हमारे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर्स ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स हमारे पास कितने होना चाहिए, कि हैव द 100th डिजिट 8 एंड यूनिट डिजिट 5। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास टोटल। देखो, यहाँ पे भी क्या रहेंगे हमारे पास, हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल पहला, देखो 100 पे 8 होना चाहिए, यूनिट पे 5 होना चाहिए, यहाँ पे हमारा 10th पे हमारा नंबर चेंज होगा। देखो, सबसे छोटा नंबर 0 होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 815 बन जाएगा, 825 बन जाएगा, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8 और कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा। ठीक है, तो यानी टोटल नंबर हमारे पास कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ से देखो 1 है ना, 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 नंबर होते हैं, तो 10 हो जाएंगे। तो ये कितने हो गए हमारे पास, 10 हो जाएगा, और यही हमारे क्या रहेंगे, फेवरेबल आउटकम रहेंगे, क्योंकि इसी की तो प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी थी। देखिए यहाँ पे,
है ना, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन सच नंबर, इन्हीं में से कोई जो टोटल थ्री डिजिट के नंबर होते हैं उसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जो फेवरेबल आउटकम्स है हमारे पास, सो जो फेवरेबल आउटकम्स हैं हमारे पास वो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 10 हो जाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो देखो, जब आप ये लिखोगे ना नंबर, तो आप यहाँ पे इन सारे नंबरों को मेंशन कर सकते हो, है ना, 805, 800 हमारे पास 15, है ना, और ऐसे कहाँ तक जाएगा हमारे पास 895 तक। ठीक है, ये सारे नंबर मेंशन कर सकते हो, फिर आप टोटल बता सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया फेवरेबल आउटकम, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना वन सच नंबर की। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाता है, फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होते हैं, टोटल आउटकम्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फेवरेबल कितने दे रखे हैं 10, और जो टोटल थे वो कितने थे हमारे पास 900। इसको कैंसिल कर लो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, बचा कितना 1/90। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा होगा आपको। बाकी फिर भी अगर आपके उस क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।